मामला अमृतसर देहाती पुलिस थाना ब्यास वालों 16 के करीब फड़े गए गैंगस्टरां नाल वड्डी सफलता हाथ लगी, जिस मौके इन्हां वड्डे गैंगस्टरां कोलों 6 राइफल अते 60 पिस्टल बरामद होए हन। पुलिस जिला देहाती दे SP ने दस्सिया कि इह गैंगस्टरां नूं कला नौरी ढाबे ते गिरफ्तार किया गया है, जो कि वड्डी घटना अंजाम देन संबंधी तैयारी कर रहे सन। इस मौके ते गलबात करदिआं SP मनोज कुमार ने दस्सिया कि साडे देहाती पुलिस थाणा ब्यास वल्लों गुप्त सूचना दे आधार ते ब्यास दे करीब कला नौरी ढाबे ते रेड करन ते 16 बंदे सर्च कीते ते 7 राइफल अते 7 पिस्टल बरामद कीते गए हन। पंजाब सरकार वल्लों गैंगस्टर खत्म करन दी मुहिम विच 4 वड्डे गैंगस्टरां अते उहनां दे बाकी साथियां नूं गिरफ्तार कीता, जिन्हां तों पहलां ही 302 307 दे परचे ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 121 ਜਿੰਦਾ ਰੋਂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਵੱਡੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਫਰਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੋਨੂੰ ਖਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸੱਗੂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। कल अपने एक इनफॉर्मेशन आई सानू कि उत्थे एक कलानौर ढाबा GT रोड ब्यास ते DSP साहब SHO साहब जदों इनफॉर्मेशन आई तो फिर इन्होंने टीम गठित की है तो उत्थे जाके जदों रेड किया, रेड करन ते सानू जिहड़े 16 बंदे उत्थे बैठे सीगे, जदों उन्हां दी सर्च की तो उन्हां कोलों हथियार मिले ने, 7 राइफलां 7 जिहड़े पिस्टल मिले ने, 6 राइफलां 7 पिस्टल मिले ने, नहीं 7 राइफलां 7 पिस्टल, हाँ जी, उन्हां विच 14 बंदे जिहड़े असीं उत्थों गिरफ्तार किए आ, 16 बंदे गिरफ्तार किए ने। उन्हां दी जदों सर्च कीती तां हर बंदे कोल किसे कोल पिस्टल किसे कोल रैफल ते उन्हां कोल बरामद होईआं ने। साडे SSP साहब या DG सर वल्लों बहुत हदायतां ने, जो क्रिमिनल बंदे ने उन्हां नूं किसे नूं भी बख्शिया नहीं जाएगा, और साडे ऑपरेशन भी ये चल रहे ने, गैंगस्टर नूं फड़ रहे ने। इन्हां विच जिहड़े 4 गैंगस्टर भी ने, जिहड़े गैंगस्टर ने मैं उन्हां दा तुहानूं नाम भी दस दिंदा, एक बलविंदर सिंह, इहदे ते परचे 302 307 दे परचे भी दर्ज ने, इह बेल ते बाहर आया हुआ सीगा। दूजा हैगा जर्मन सिंह, उन्हां ते भी परचे ने 302 दे 307 दे, वह भी गैंगस्टर ने, यह तरन तारण दा रहण वाला। मनप्रीत सिंह आ, ये भी तरन तारण का, ये भी बहुत परचे ने 302 307 दे, ये भी गैंगस्टर है। गुरप्रीत सिंह ये भी गैंगस्टर ने, ये 4 गैंगस्टर ने, टोटल ये 16 बंदे ने। इन्हां कोलों जिहड़ी जिहड़ी रिकवरी हुई ने, 6 पिस्टल 32 बोर दे 8 मैगजीन 40 जिंदा रौंद ने जी, तो दूजा 4 राइफल 315 दी 4 मैगजीन 30 जिंदा रौंद ने, 2 राइफल 12 बोर दी 5 जिंदा कैप्स अपने रौंद ने, 1 पिस्टल 30 बोर दा 2 मैगजीन 16 रौंद ने, 1 मैगजीन राइफल आ समेत 30 रौंद ने। इहदे विच जिहड़ी FIR नंबर 56 दर्ज होई आ 8/4/2022 नूं, जुर्म 160 151 389 411 188
109, 447, 511, 148, 149, 506, 25, 57, 54 नॉट एक्ट असले के तहत यह परचा दर्ज होया। हाँ जी, ये बहुत बड़ी एक वारदात करन जा रहे सीगे। ये कुछ बंदे जिहड़े प्रॉपर्टियां ते कब्जा भी करते हैं, जिन्हां दी बैकग्राउंड हैगियां ने, ये कल जे ना फड़े जाते तो बहुत बड़ा किते कतलेआम हो सकता सीगा, बड़ी बड़ी वारदात नूं अंजाम दे सकते सीगे। हूँ इन्हां नूं मानयोग अदालत विच अहीं पेश कर रहे ना, रिमांड लै रहे हैं, जो जो चीज़ां सामने आएंगी तुहानू दस्सांगे पूरा। इनफॉर्मेशन डीएसपी साहब नूं एसएचओ साहब नूं दित्ती गई भी इस प्रकार के गैंगस्टर प्रकार के बंदे आ, जुर्म करने वाले बंदे आ, जे तुसीं हुण उत्थे होटल के उत्ते कलानौर होटल के जीटी रोड से रेड करोगे ते तुस तुहानूं वो बंदे मिल सकते, तो उन्हां कोल हथियार भी बहुत मिल सकते हैं। एन लीगल भी है, लसेंसी भी है बीच, पर सानू कोई भी हाल ही इन्होंने लसेंस नहीं दिखाया। भजन की कोशिश कर लगे सीगे ते पुलिस पार्टी ने जे इन्हों चारों साइडों तो घेर लिया सीगा। सीनियर अफसर के एस एस पी साहब के नॉलेज सीगा, होर सीनियर अफसर के नॉलेज सीगा, पूरा प्लान करके जरा इन्हों फड़िया गया। फायरिंग नहीं हुई आ, जो इन्हों घेर ही लिया तो इन्हों कह भी दिता जो कोई यह जी हरकत करेगा तो आप जवाबी कार्रवाई करा, वार्निंग दी, सरेंडर करता इन्होंने, क्योंकि इन्हों चारों साइडों तो घेर लिया सीगा। आप ये बड़ा वधिया एक एस एच ओ डी एस पी साहब ने और टीम ने बहुत वधिया वर्क किया, तो यह जे अगे भी होर भी अही मैसेज देना चाहते अपने प्रेस के राही कि जेड़े भी इदा के बंदे है वो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ये तरन तारण के भी सीगे जी, तो अपने अमृतसर के भी बार भी कीतिया जी, इन्हें तरन तारण च भी कीतिया, 302 के मुकदमे भी है जी, इन्हें 307 के मुकदमे भी है जी, खोहां लुट्टां के भी मुकदमे है जी, इन्हों को इन्हों के असले के भी पहले परचे दर्ज होए जी, नजायज असले का है जी, अली इन्वेस्टिगेशन चल रही है जी, जिहड़े जिहड़े इन्हों के तार जुड़े होणगे जिथे जिथे उन्होंने इस मुकदमे के बीच लैके आवा। ये 16 बंदे ने जी, इन एज ग्रुप, इन दा एज ग्रुप 35 तो 40 के बीच, 26, 27, 28 इदा के अलग अलग एज ग्रुप के है बंदे, नहीं छोटा कोई नहीं है, उपर ही है 25-26 साल तो उत्ते ही है, 40-45 साल तक के है जी। इन्वेस्टिगेशन के बीच हूँ जो जो चीज़ा आनगियां जो जो हमें हूँ पता लग्या इन्हें जेडे FIR लॉज ने जेडे गैंगस्टर ने चैक किया गया, तो हाल ही सारी पूछगिछ करांगे, हो सकता इन्होंने होर भी वारदातां कीतियां होणगियां दूजे जिले तो भी आपां पता करा रहे हैं, कितने खोहां लुट्टां दे विच उन्हें मानयोग अदालत तो अहीं जिहड़ा इन्हां दा रिमांड लिया तो इन्हां दी जिहड़ी पूछगिछ करांगे, तो अगली जिहड़ी हाँ हो सकदियां ने जी।